सर जी मैं कभी नहीं करता हूँ सर जी, मैं कभी नहीं आऊंगा सर जी छोड़ दो सर जी सर जी मैं कभी आज के बाद नोएडा में नहीं आऊंगा सर जी सर एक मुठभेड़ हुई है 58 क्षेत्र में, क्या है पुराव में? देखिए अभी से कुछ देर पहले हमारी जो एसीपी सेकंड और एसएचओ 58 की टीम थी, इस टीम को सूचना थी कि जो घटना जिसका वर्कआउट आज हुआ किया गया है, इसका खुलासा आज ही हुआ है, उसके कुछ वांछित अपराधी कहीं अपने कुछ ज्वेलरी कुछ सामान शिफ्ट करने के चक्कर में है। उस सूचना को हम लोगों ने डेवलप किया, इनकी घेराबंदी की गई है अभी कुछ देर पहले, और ये दो बाइक पे थे, दोनों बाइक पे दो दो बदमाश थे। हम लोगों ने चारों तरफ से इनकी घेराबंदी की, हम लोग जहाँ पे भी खड़े हैं यहाँ पे हम लोगों ने दोनों तरफ से इनको घेरा था। घेरने के बाद इन लोगों ने जब देखा कि चारों तरफ से घिर गए, इन लोगों ने हमारी टीम्स पे अटैक किया, हम लोगों ने भी जवाबी कार्रवाई की, लगभग 5-6 राउंड गोलियां चली यहाँ, जिसमें वो जो चार बदमाश थे उसमें से 3 घायल हो गए और एक बदमाश यहाँ से एक बाइक लेके फरार हो गया, जबकि स्कूटी हम लोगों ने यहाँ पे स्कूटी को नहीं ले जा पाया, स्कूटी इनकी गिर गई थी यहाँ पे। इन तीनों को हम लोगों ने तत्काल यहाँ से घायल अवस्था में थे इनको तत्काल शिफ्ट किया। पूछताछ में इन लोगों ने अपना नाम, एक ने अपना नाम मोनू बताया, मोनू उर्फ आरिफ, दूसरा ने अपना नाम हर्षित बताया, और मोनू गौतम और विष्णु, ये 3 लोग बताए, और जो भागने में सफल रहा उसके बारे में हम लोगों ने पूछा, उसका नाम हर्षित है और हम लोग उसकी कॉम्बिंग कर रहे हैं अभी। इन लोग के पोजीशन से लगभग 1,80,000 रुपये के आसपास हम लोगों ने बरामद किए हैं। जैसा कि आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, 80,000 रुपये के आसपास हम लोगों ने उस समय भी बरामद किए थे, जो 6 मुलजिम हमें मिले थे, और बाकी पैसे इन लोगों के बैग से मिले हैं। इन लोगों ने ये बताया कि ये पैसे वही हैं जो हम लोग सर जी मैं कभी आज के बाद नोएडा में नहीं आऊंगा सर जी Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.